और कुछ ही दिन में गर्मी का सीजन आने वाला है एंड कोलकाता अगर देखा जाए पिछले दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा है। तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मम्मी के घर के लिए एक स्मार्ट फैन लूं, मतलब स्मार्ट सीलिंग फैन। तो इस वीडियो में वही चीज के बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल में मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है एक स्मार्ट फैन फ्रॉम द ब्रांड ऑटमबर्ग। ये वाला ब्रांड काफी एक रेपुटेड ब्रांड है क्योंकि इस ब्रांड का प्रोडक्ट मैं पिछले 1.5-2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे घर में ऑटमबर्ग का और एक हायर वेरियंट है विच इज ऑटमबर्ग रेनेसा, जो मैं पिछले 1.5 साल से ज्यादा मतलब 1.5-2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका वीडियो मेरे चैनल पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये आप बोल सकते हो उसका एक छोटा भाई है विच इज ऑटमबर्ग एमेजा। उसका प्राइस है जनरली 3,600 रुपए के आसपास है, इसका प्राइस है लगभग 2,500 से 2,600 रुपए के आसपास। ये एक BLDC फैन है, मतलब लगभग 50-70% जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो कम होगा। यहां पर अलग से कोई भी रेगुलेटर का जरूरत नहीं है, आपको एक स्मार्ट रिमोट मिलता है एंड एक LED लाइट भी मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यही ऑटमबर्ग एमेजा स्मार्ट फैन के बारे में। चलिए इसको करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। बॉक्स के अंदर मिलता है और दो बॉक्स। अच्छा, तो ये वाला बेसिकली फैन का है। एंड और एक चीज बता दूं, यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी था, मतलब मेरे पास जब डिलीवरी करने आया तब फ्लिपकार्ट वाले ने इसको खोला, खोलने के बाद चेक किया, उसके बाद वो लोग गए। तो चलो ये पहला वाला बॉक्स है, इसको सबसे पहले खोलते हैं। एंड यहाँ पर आपका जो मेन फैन है उसका सभी पार्ट्स है, तो यहाँ पर एक रॉड का जरूरत पड़ता है, तो वो रॉड वाला यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर वो कप्स मिलता है ऊपर और नीचे लगाने के लिए। तो इसका ऑल बहुत सारा कलर वेरिएंट है, तो मैंने यहाँ पर ब्राउन वाला लिया है। एंड ये प्लास्टिक बिल्ड है, ठीक है, नॉर्मल प्लास्टिक है, ज़्यादा कुछ स्पेशल तो है नहीं। एंड यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिलता है, तो अधिक जानकारी के लिए डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिमोट का जो फैसिलिटी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर सब कुछ दिया गया विच इज़ वेरी इजी, मैंने पहली बार भी देखा था। यहाँ पर ये वायर दिया गया, दिस इज अ सेफ्टी वायर, ये मिलता है इंस्टॉलेशन करने में। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट सेफ्टी के लिए मुझे लगता है ये इस्तेमाल करना काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट ये वाला ऊपर वाला माउंट है जो एक्चुअली ऊपर लगता है सीलिंग में, वो वाला ये माउंट है। सो ये वाला रिमोट, तो बेसिकली रिमोट सेम ही है जो रेनेसा के साथ मिला था, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही रिमोट मिलता है, तो रिमोट अलग नहीं है। एंड फाइनली ये वाला है फैन, काफ़ी लाइट वेट है एक्चुअली नॉर्मल फैन से। ये सब फैंस मतलब BLDC फैंस या फिर जो ऑटमबर्ग के फैन हैं वो बहुत लाइट वेट होता है। एंड बॉक्स के अंदर आपको तो बैटरी भी मिलता है फॉर द रिमोट कंट्रोल, विच इज़ अ वेरी गुड जेस्चर, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। रिमोट के पीछे एक छोटा सा चीज़ लगा है, यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं इसको एडिशनल 1 ईयर वारंटी के लिए। यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर केयर, सभी इन्फॉर्मेशन रिमोट के पीछे मेंशन है। रिमोट के सामने अगर देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा लाइट भी है, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट जलेगा। इस फैन को सेट करना काफ़ी आसान है, आप खुद से भी अपने घर में बैठ के इस फैन को सेट सकते। इससे पहले भी जब ऑटमबर्ग का दूसरा फैन या फिर इससे पहले भी मैंने और एक दो फैन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया, तो मेरे घर में ये छोटा मोटा चीज जब आता है तो उसका जो असेंबली या फिर सेटिंग मैं खुद ही कर लेता हूं, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिशियन का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो यूजर मैनुअल है उसको अगर आप फॉलो करते हैं इसको आप आराम से खुद से ही सेटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रिशियन बुलाने से जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये फैन 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, उसके साथ साथ BLDC मोटर है, इसका मतलब ये है यहां पर आपको पावर कंजम्पशन बहुत कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू द नॉर्मल फैन। लगभग 50-60% जो पावर कंजम्पशन ये कम करता है। एंड अगर वाटेज देखा जाए, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर एक में चलाएंगे तो 3 वाटेज इसका पावर कंजम्पशन होता है, एंड 5 में चलाएंगे 28, एंड अगर आप बूस्ट स्पीड में चलाएंगे जो टॉप स्पीड है वहां पर 35 वाट का पावर कंजम्पशन होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल फैन एंड इसमें क्या डिफरेंस है। बट इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं क्योंकि मैं ऑटमबर्ग का रेनेसा ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है कंपेयर टू द नॉर्मल। तो फैन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो ये रहा इसका रिमोट, तो इसको जल्दी से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद वहां पर एक बार लाइट जलेगा एंड उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। अब एडिशनल रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे घर में ऑलरेडी रेगुलेटर इंस्टॉल किया हुआ था, इसको मैंने फुल करके रखा है, बिना रेगुलेटर के भी ये चलता है। बिना रेगुलेटर मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके अंदर ही आपका जो रेगुलेटर वाला फंक्शन है ये रिमोट के अंदर दिया गया है। तो अभी ये फैन ऑन हो गया है, लाइट जनरली बंद रहता है, अगर आप चाहते हैं तो यहां पर लाइट का ऑप्शन है, इसको आप ऑन करके रख सकते हैं। एंड अगर अंधेरे में देखा जाए, जी हाँ एकदम अंधेरे में अगर देखा जाए हल्का सा रोशनी होता है, ज़्यादा रोशनी नहीं होता, मतलब नाइट बल्ब की तरह आप इसको काम में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बटन है इससे आप इसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 है। एंड जब भी आप कोई भी बटन दबाएंगे, एक तो यहाँ पर आपका एक लाइट जलता है एंड वहाँ पर फैन के अंदर भी आपका एक लाइट जलता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर इसको ट्रिगर किया गया है। तो ये 5 स्पीड में चल रहा है, मतलब लगभग आप बोल सकते हो टॉप स्पीड से 1 स्पीड कम, मतलब 5 ही जनरली रहता है। एंड अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बूस्ट मोड को भी इनेबल कर सकते हैं। एंड बूस्ट मोड में मैं देख रहा हूँ आपका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है,
एंड इसका हवा भी काफी अच्छा यहाँ पर आता है। फिटिंग्स जैसे आप देख पा रहे हैं, फिटिंग्स करना काफी आसान है, आराम से फिट हो गया। एंड ये काफी लाइट वेट है, जैसे मैंने बताया आप खुद से भी कर सकते हैं। एंड इस रिमोट में और दो ऑप्शन है, यहाँ पर एलईडी लाइट को ऑन ऑफ तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर स्लीप मोड है एंड टाइमर भी है, तो ये भी आप सेट करके रख सकते हैं। रात में कभी कभी क्या होता है, अगर आपको ऑटोमेटिकली इसको ऑफ करना है तो आप टाइमर लगा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। एंड स्लीप मोड पर क्या होता है, अगर आप टॉप स्पीड में रखते हैं स्पीड एक एक करके कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका फंक्शन काफी बढ़िया है एंड हवा जो देख रहा हूं मैं फॉर द टाइमिंग, हवा का फ्लो भी इसका काफी अच्छा है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, एंड ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेटा डॉग। इस फैन को मैं थोड़ा टाइम इस्तेमाल कर लेता हूं, उसके बाद इसका फुल रिव्यू डेफिनेटली लेके आऊंगा। एंड ऑटोमोग रेनेसा जो फैन है जो मेरे घर में काफी टाइम से चल रहा है, उसका भी अगर आपको रिव्यू वीडियो देखना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो मेरे घर में लगभग 1.5 साल से, विच इज प्रीटी गुड। तो गाइस इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट रमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।